ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल, दूसरा फरार। नोएडा में मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश के पास से लूट के 4 मोबाइल फोन सहित अवैध तमंचा व एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। आपको बता दें, नोएडा सेक्टर 63 थाना पुलिस की गिरफ्त में लड़खड़ाकर चल रहा ये शख्स बड़ा ही शातिर किस्म का बदमाश है। पकड़े गए बदमाश ने अपने साथी के साथ मिलकर नोएडा में मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देकर लोगों में दहशत फैला दी थी, जिस पर पुलिस के आला अधिकारियों ने इन बदमाशों की धरपकड़ के लिए कई टीमें बनाकर इनकी तलाश की जा रही थी। पुलिस जिंजरकट के पास चेकिंग अभियान चलाए हुई थी, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया, जिस पर मोटरसाइकिल सवार तीव्र गति से मोटरसाइकिल लेकर फरार होने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की। बदमाश अपने आप को घिरा हुआ देखकर उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल होकर जमीन पर गिर गया, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस दौड़कर घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लेती है। पकड़े गए बदमाश की पहचान विवेक मेहता के रूप में हुई है, जो कि मूलतः बिहार का रहने वाला है। पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए बदमाश के द्वारा नोएडा व ग्रेटर नोएडा और दिल्ली में लगातार मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देकर लोगों में दहशत फैलाई हुई थी। साथ ही पकड़े गए बदमाश के पास से 4 मोबाइल फोन व अवैध तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस फरार बदमाश की तलाश में कॉम्बिंग कर रही है, ताकि उसे भी गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जा सके। सर, अभी थाना सेक्टर 63 क्षेत्र अंतर्गत एक मुठभेड़ हुई है, उसका क्या मामला है? आज लगभग करीब 9 बजे थाना सेक्टर 63 क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों के लिए चेकिंग की जा रही थी, जिसमें कि जिंजर कट पर लगी चेकिंग के पास दो व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर आए और चेकिंग के लिए रोकने का कहने पर मामूरा की तरफ भागने लगे। जब उनका पुलिस के द्वारा पीछा किया गया तो उनमें से एक आदमी ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक आदमी को गोली लगी और दूसरा आदमी भाग गया। जो प्राइमरी उसकी तलाशी ली गई, उसमें 4 मोबाइल उस पर से बरामद हुए हैं, एक देसी तमंचा 315 बोर और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जिसका कि रंग काला है वो बरामद हुई है। पूछताछ करने पर पता चला कि इसका नाम विवेक महतो है और ये ओरिजिनली खगड़िया बिहार का है। इस पर पहले से भी लूटपाट के मुकदमे हैं, जिसमें ये पहले दिल्ली से जेल जा चुका है और इसने यही बताया कि ये 4 मोबाइल इसने स्नैचिंग के द्वारा छीने। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।